मेरा नाम सूर्य हुदा, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपके मन में यही सवाल आता होगा, कल 3 फिल्में रिलीज होने वाली है लेकिन स्क्रीन काउंट के बारे में कुछ हमें पता तक नहीं है। सूर्या भाई तुमने भी नहीं बताया, तो चलिए इस वीडियो में आपको स्क्रीन काउंट बता दूंगा, आपको तीनों फिल्मों को किस तरह से स्क्रीन काउंट नजर आ रहा है। फिलहाल फाइनल अपडेट के हिसाब से वॉर हो, सैर नरसिम्हा रेड्डी हो या जोकर हो, जी हाँ तीनों फिल्मों का स्क्रीन काउंट अच्छा खासा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बात की जाए, इससे पहले आपसे स्टार्ट करो, उससे पहले आपको यही कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, साथ ही हमारे नए चैनल बॉलीवुड मेटिन वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ अभी मेन चीज क्या है। यहाँ पे सबसे कमाल की फिल्म वैसे तो है जोकर, लेकिन उस फिल्म को काफी कम स्क्रीन्स मिलेंगे, और जिस हिसाब से लॉजिक्स लगाया जा रहा है 500 से 600 स्क्रीन्स मैक्स टू मैक्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये रिलीज होने वाली 4 तारीख को 2 दिन और पहले इसको कर दिया। क्यों किया पता नहीं, क्योंकि बाद में करते तो शायद थोड़ी स्क्रीन और मिलती, लेकिन 2 दिन पहले किया तो स्क्रीन काउंट, दो और बड़ी फिल्म है तो ऑफकोर्स इसकी स्क्रीन काउंट की लग जाएगी। 500 से 600 स्क्रीन्स मिलेंगे इस फिल्म को, लेकिन ये 500 से 600 स्क्रीन्स भी इस फिल्म के लिए काफी हो गए। इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और इसमें से तीनों फिल्म से वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग जिसका कम होगा उसके बाद का फायदा इसको होगा जोकर, क्योंकि जोकर का कंटेंट एक नंबर है। ठीक है, वही बात करें दूसरी फिल्म जो सैर नरसिम्हा रेड्डी है, उसी कहा जा रही है करीबन 900 से 1000 के आसपास स्क्रीन्स के रेंज बताई जा रही है, यानी कि अगर सैर नरसिम्हा रेड्डी की और जोकर की साथ मिलाकर बात की जाए तो 1500 से यानी कि 1500 से 1600 स्क्रीन के आसपास मिल रहा है। वहीं साफ साफ नजर आ रहा है वॉल जो फिल्म है, वॉल फिल्म लगभग 3900 से लेकर 4000 स्क्रीन पर कब्जा जमा सकती है पूरी तरह से, यानी कि ये साफ है वॉल फिल्म को बहुत अच्छी स्क्रीन मिली है। मैं खुद चेक कर रहा था अभी हिंदी सर्किट की, अगर बात करें तो सैर नरसिम्हा रेड्डी को बहुत अच्छी खासी स्क्रीन नहीं मिली है, वॉल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं मिली। अगर वॉल का और सैर नरसिम्हा रेड्डी का कंपेयर करें तो वॉल को लगभग अगर लॉजिक के हिसाब से बात करें तो 70 से 75% स्क्रीन्स मिली है, और उसके अलावा बात की जाए बाकी इसकी सैर नरसिम्हा रेड्डी की तो इस फिल्म को करीबन 15 से 18% के आसपास स्क्रीन्स मिली है, और बाकी जो बची खुशी 5 से 10% या 5 से 7% स्क्रीन्स है वो मिली है जोकर को, यानी फुल नॉर्थ सर्किट में दिक्कत है दोनों ही फिल्मों को, लेकिन साउथ सर्किट में सैर नरसिम्हा रेड्डी का हाथ पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, और साउथ में फिल्म धमाल करेगी, इवन नॉर्थ की ऑडियंस भी देखेगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सैर नरसिम्हा रेड्डी को, क्योंकि इस तरह की फिल्में थिएटर में ही देखने के लिए बनी है। वैसे तीनों फिल्में जो है ना, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा तीनों फिल्म से कोई भी फिल्म का अगर आप टिकट बुक करोगे ना आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, और तीनों फिल्म अगर आप देख लिए तो इस हफ्ता ये आपका अच्छा होगी, तीनों फिल्म बहुत कमाल की है। तो मेरी जो रेशियो रेंज थी वो मैंने बता दिया, और कुछ इसी तरह से मामला समझ में भी आ रहा है, सो डोंट गेट नर्वस और सैड मत होइए कि सैर नरसिम्हा रेड्डी को कम मिला है या जोकर को कम मिला है, वो 3-3 फिल्म रिलीज हुई तो हो गई इशू, राइट। लेकिन आपको यही कहूंगा स्क्रीन काउंट से कुछ मैटर नहीं करता, फिल्म अच्छी होने न होने से मैटर करता, और मुझे उम्मीद है कि तीनों फिल्म अच्छी होगी और तीनों फिल्में जनता को पसंद आएगी। आप इन तीनों फिल्मों को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, दोस्तों यारों के साथ देख सकते हैं, और 3-3 फिल्में एक फ्राइडे को देख लो, सैटरडे को देख लो, संडे को देख लिए भी कर सकते हैं आप, है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जो भी अपडेट्स होंगी इन तीनों फिल्मों से जुड़ी हुई हफ्ते तक पूरी अपडेट्स मैं इस चैनल पर देता रहूंगा।